नेटवर्क है। ज्वाइन करना है ना भैया? हाँ ज्वाइन करना पड़ेगा। नमस्ते प्रणाम। और थोड़ा सा विलंब हुआ हमको आने में, रीजन था कि थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गया था मैं, और लोकेशन पे आके गाड़ी में से तो कर नहीं सकता था। और अरे वाह 6000 लोग देखने लगे भाई जी, तो सबको तो पहले आप सबको गुड मॉर्निंग, और आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, इसकी शुभकामना हमेशा आप सबको मेरे तरफ से और भोजपुरी समाज की तरफ से और संघर्ष टू की टीम की तरफ से। और इसमें अभी मैं रत्नाकर भैया को भी जोड़ूंगा, इसकी शुभकामना हमेशा आप सबको, और हमारे प्राग पाटिल जी। प्राग पाटिल जी आप जल्दी से जुड़ जाइए। और कहाँ से जुड़ता है बाबू? सबको जोड़ देता हूँ। प्राग जी आ जाइए। हेलो प्राग सर, हैं रत्नाकर सर, आपका नेटवर्क नहीं है क्या? वही देख रहा हूँ, नेटवर्क नहीं आ रहा आपका। थोड़ा सा वाईफाई जोड़िए। तो मैं आज लाइव आने का एक मकसद था कि हम लोग हमेशा गाने के लिए लाइव आते हैं खास करके, और सिर्फ ये म्यूजिक इंडस्ट्री टाइप का हो गया है, तो एक बहुत बेहतरीन सिनेमा हम लोगों ने किया है, और मुझे लगता है कि ये सिनेमा ही ऐसा होगा जो हमारी भाषा को बड़ा कर सकता है। गाने से तो हम ठीक है, वो मनोरंजन है एक, लेकिन कहाँ गए रत्नाकर भैया? पाटिल जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। और हमारे रत्नाकर सर नहीं दिख रहे हैं आप, जो मैं ही जोड़ू ना उनको? हाँ आपको ही जोड़ना पड़ेगा बॉस। बॉस बॉस तो अभी जुड़े थे आपसे मेरे ख्याल से। हाँ तो उनका नेटवर्क है, कुछ लगता है जी कुछ गड़बड़ हुआ है जी। एक मिनट मैं देखता हूँ। आपका लुक बड़ा प्यारा लग रहा है भैया। अरे तो लुक प्यारा तो आप ही ने दिया है ना, गॉड इसका भी सर। हमेशा तो आपके जो भी सिनेमा होती है उसमें तो कुछ ना कुछ नया होता ही है, और सर शायद जुड़ गए होता है तभी सारी चीजें बनती है। आप सोचते हैं तभी तो हम सर। सर सर प्रणाम नमस्कार। नमस्ते नमस्कार। बस संघर्ष को, हम सबका संघर्ष, जिस तरह पहली सिनेमा संघर्ष में एक अलग दुनिया को देखने को मिला था, शायद मेरा आशा और विश्वास भी है, और इसमें एक कड़ी है हमारी बेटी कृति, जो कि सबको देखने को मिलेगी पहली बार, एक दूसरी बार उसने काम किया है। इससे पहले आपको कैसा? गंगा पार में आई थी। हाँ हाँ तो कृति अब बड़ी हो गई है, तो पहली बार लोगों को एक्टिंग देखने को मिलेगा, और अब सर ही बताएंगे जी कितना बेहतर काम की है वो। हाँ नहीं हम तो पूरी पिक्चर देख रहे हैं, एक एक लाइन देख रहे हैं, तो जो मैच्योरिटी एक्टिंग में है वो लगता है कि वो सबका असर है, मतलब वो जो पता ही नहीं चलता है कि ये पहली बार काम की हो, इस ढंग से डायलॉग डिलीवरी है तो बहुत अच्छी तरह से उसने बहुत नेचुरल किया है, बहुत नेचुरल है, वो देखने के बाद ही पता चलेगा। हाँ लोग जो है वो लोगों को अंदाज नहीं होगा कि ये ऐसा कर सकती है, बहुत बहुत अच्छा तो किया। पिता के बहुत, लिए, बहुत, बहुत। एक पिता के लिए तो बहुत गर्व की बात होती है सर कि जब आपके बच्चे, क्योंकि हमेशा हम इसलिए तो अपने बच्चों को कंधे पे बैठाते हैं ताकि हमारा बच्चा हमसे भी ज्यादा दूर तक देख सके। मुझे आज भी याद है जब हम लोग वो क्लाइमेक्स सीन शूट कर रहे थे तो किस तरीके से आपकी आंखें नम हो गई थी कीर्ति को एक्टिंग करते हुए देखते, तो बहुत ही मार्मिक पल था वो,
देखने के लिए, सारे जो ऑडियंस, जो लोग हमारे आर्टिस्ट, जो क्राउड आर्टिस्ट हम लोगों ने बुलाए थे, वो लोग भी आपको, आप दोनों को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए, हम लोग को ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ी, आप दोनों ने एक्चुअली हमारे सारे क्राउड ऑडियंस को रुला दिया उस परफॉर्मेंस नहीं, से। लेकिन सर का एक बहुत महत्वपूर्ण, मुझे लगा जे वो मैंने अपने जीवन में पहली बार इतना बड़ा रिस्क लिया था, हाँ, जो हम लोगों ने बैंकॉक बैंकॉक में शूट किया था। पहली बार वो डरा था मैं, गेट्स की, हाँ गेट्स की, पहली बार उसका डरा तो था। मैं पूरा श्रेय दूंगा बॉस को, प्रताकर जी हम को, लोग क्योंकि तो छोड़ के आ रहे थे क्योंकि कि बहुत मैंने तो टेक्निकल था, लिटरली, लेकिन क्योंकि मैं डर आप, गया था कि हम लोगों के पास में बहुत सारे पर्याप्त साधन नहीं थे, तो क्या ये बॉस की हिम्मत थी कि हम लोगों को बीच समुंदर में उतार दिया। और उसके बाद भी मैं डरा हुआ था कि चलो समंदर में उतर तो गए हैं, लेकिन जब तक हीरो चलाएगा नहीं जेट स्की तो डायरेक्टर शूट क्या करेगा। बिल्कुल और बिल्कुल आपको जेट स्की वाले ने एक या दो बार सिखा दिया और आपने उसको बोला कि चल अभी उतर, मैं कर लेता हूँ। और हम लोग, लेकिन मैं और प्रिंस भाई, हमारे कैमरामैन ऐसे नैया डोले जैसा, हम लोग शूट कर रहे थे, प्रिंस भाई और मैं डिस्कस कर रहे हैं, भाई क्या करेंगे, हमको नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन नैया डोल रहा है। नहीं, तब लेकिन तो हम सोच वो रहे कि कल कैसा होगा, लेकिन आपने जिस तरीके से जेट स्की चलाना शुरू किया और जिस तरीके से हम लोगों ने उसके बाद में जो शॉट्स लिए वो अद्भुत थे, ये हैट्स ऑफ है सबसे पहले प्रोड्यूसर को, रत्नाकर जी को, जिन्होंने हम लोग को इतना अच्छा सारा इक्विपमेंट्स अरेंज करवाया। और उससे भी ऊपर हैट्स ऑफ है भैया आपको, कि अगर आप नहीं करते तो हमारा कैमरा कुछ कैर नहीं कर पाता। नहीं, लेकिन सर का जिद जो था, वो जिद सिनेमा को बहुत अव्वल दर्जा पे लेके गया। जैसे अब हेलीकॉप्टर वाले शॉट में, उसमें भी बहुत रिस्क था। हाँ, उसमें जंप लेकिन करना, एक चीज, लेकिन बस मैं भोजपुरी समाज से ही बोलना चाहता हूँ कि गाने बजाने तो होते ही रहेंगे, और गाने बजाने से हमारा भोजपुरी का कुछ उधार नहीं होने वाला। वो तो मनोरंजन आज से नहीं, हमेशा से हो रहा है। और भोजपुरी की पहचान है कहानी, भोजपुरी की पहचान है इमोशन, भोजपुरी की पहचान है एक दूसरे को जोड़ के रखना। तो मैं बस सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि अपने भी मेरे मैं छोटे भाई लोग जो एक्टिंग कर रहे हैं, हीरोइने हैं, चाहे मेरे बड़े भाई जो भी हीरो है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करने के लिए आज लाइव आया हूँ कि कम से कम सब लोग, अगर बेहतर सिनेमा बनी है तो उसको सब लोग एक सपोर्ट देकर, और अपने भाषा को जिस तरह साउथ के लोगों ने अपने भाषा को मैं बड़ा करने की कोशिश की और बड़ा कर भी दिए, तो अब हमारी बारी है। तो हमने बेहतर एक काम किया है, और अपने भाषा के लिए, वहां पे सारी नहीं है, वहां रत्नाकर जी नहीं है, वहां पराग पाटिल नहीं है, हर आदमी मिलकर इस सिनेमा को बड़ा करने की कोशिश करेगा तो शायद ये चीजें बड़ी हो जाएगी और हम सबका भला हो सकता है। क्योंकि इससे बहुत आशाएं हैं मेरी, क्योंकि हिंदी लेवल पे चीजों को हम लोगों ने किया है, कोशिश की है, और सबका प्यार और आशीर्वाद मिला। तो और कल यानी 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के दिन एक प्यार का परिकाष्ठा है और टीजर रिलीज हो रहा है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि जिस तरह हम लोगों ने मेहनत की है, कोशिश की है बेहतर काम करने की, अब उसको बड़ा करने का काम हमारी जनता के हाथ में है। और हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूं कि सब लोग आगे आकर और कम से कम एक बेहतरीन सिनेमा को सपोर्ट करें, ताकि चाहे वो मेरे बड़े भाई हीरो हो, चाहे मेरे छोटे भाई हीरो हो, गायक हो, सिंगर हो, जो भी है, इसे भोजपुरी भाषा से जुड़ा हुआ है, भोजपुरी के कल्चर से जुड़ा हुआ है, मैं सबको चाहूंगा कि जितने लोग हैं सब लोग कल एक ऐसा प्यार दिखाइए ताकि अपना भाषा बड़ा हो। क्योंकि सिनेमा से ही भाषा बड़ा होगी, क्योंकि सिनेमा में ही कहानी होती है, गाने में तो सिर्फ एक मनोरंजन होता है और थोड़ी देर के लिए आदमी झूम लेता है। आप लोग का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये फिल्म जब प्लान, जब संघर्ष का जब ये हुआ, एक लोगों ने जो प्यार दिया, तो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हर एक पिक्चर को पार्ट टू बनाए, आप पार्ट टू बनाए, बट ये इंडस्ट्री के लिए और सबके लिए ये फिल्म एक देन है। एक एक चीजें हम लोग दे रहे हैं जिससे कि लोग और इंडस्ट्री जो है वो बड़ी बने। ये खुद का बड़ा बनना नहीं है हमारे लिए, या प्रोड्यूसर्स के लिए नहीं है, वो आर्टिस्ट कभी नहीं, आप भी कभी नहीं सोचे कि ये चीजें जो है वो बड़ी हो, बट वो इंडस्ट्री के लिए बड़ा सोचा कि इंडस्ट्री जो है उस मोड़ पे लोगों का नजरिया बदले,
लोगों का जो नजरिया है अब भोजपुरी को देखना और भोजपुरी को जिस ढंग से एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उस ढंग से प्रोडक्ट दे रहे, और ये उसी का एक मार्गदर्शन है। ये मूवी जो है, ये पैसा क्या करेगी, पैसा क्या कमाएगी, उससे नहीं है। सब पैसा कमाए, पूरी इंडस्ट्री चले और जो है एक सर्वाइवल मोड पे आए कि ये पिक्चर जो है इस ढंग की बननी चाहिए। तो इसमें सबका सहयोग बहुत इम्पोर्टेंट था और बड़ी मेहनत हाँ, तो से लेकिन एक है। सर आपका भी आपकी भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इतनी इतना बिग बजट में, यानी हमको लगता है कि बैंकॉक वाला शूटिंग तो हम लोग को बहुत बिग बजट, वहां के परमिशन के लिए लाख लाख दो दो लाख रुपए देने पड़ते थे, हाँ तो वो वही, कहीं ना कहीं आपने हिम्मत जुटाई तभी हम इतना बेहतर काम कर सके, चाहे वो हाँ तो पराग वो पाटिल जी इंडस्ट्री के हो। लिए ही था, बिल्कुल वो इंडस्ट्री हाँ, के लिए ही था। जो और अपने भाषा हम के ये लिए चाह है रहे थे कि कि लोगों को कुछ नयापन दिखे, क्योंकि आधे घंटे शॉट के लिए पूरा दिन वहां से सारे लोगों को, 100 लोगों को ट्रैवल 200-300 किलोमीटर पे जाके सिर्फ एक शॉट के लिए आप गए, तो वो चीज आर्टिस्ट के लिए और डायरेक्टर के लिए और हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो आधे घंटे का शॉट लूं कैसे, क्योंकि एक एक दूसरी दूसरा शहर है। और वो चीज को करने के लिए हम लोग तो हार मान गए थे, सब लोग हार मान गए कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपके लास्ट लास्ट अंदर थी सर, लेकिन हाँ, मैं लेकिन रात में, वो आपको चीज पता है, एक एक बात बताता हूं, मैं जब रात में आया होटल पे तो चंदा ने बोला, क्योंकि वाइफ और बच्चे गए ही थे, तो चंदा बोली कि आप इतना बड़ा रिस्क ले लिया, आप एक बार भी नहीं सोचे कि अगर आपको कुछ हो जाता तो हम लोग का क्या होता। हम कहें कि देखो, ये जिंदगी जो मेरी है वो मेरी जनता के लिए है और मेरे काम के बिल्कुल लिए है, क्योंकि मैं जब शादी हुई थी तो हम तुम्हारे थे, लेकिन आज तुम्हारे होते हुए भी मैं, हम बहुत लोगों के हैं और बहुत लोगों की आशाओं में हैं, बहुत लोगों के दिल के धड़कन है, तो हमें उनके लिए भी कभी कभी अपने आप को रिक्स में डालना होता है। तो बाद में मुझे भी अफसोस हुआ कि नहीं, अगर कुछ हो जाता तो क्या होता, क्योंकि रिस्क तो था सर, 30,000 फीट गहरा समुन्द्र में उतरना, और जबकि मैं जस्टिक सिर्फ देखा था, कभी कभी चलाया तो था ही नहीं, मैं, हाँ मुझे मुझे तो पता पता है। भी नहीं था कि हाँ चलता कैसे है। हाँ बिल्कुल, तो आप वही बोल रहे थे ना कि अरे इसमें ये जाएगा कैसे टीजर आगे। में हाँ हम लोगों ने वो जेट स्की वाला शॉट डाला है, जब कल हाँ टीजर रिलीज होगा तो लोग देखेंगे, तो बहुत ही थ्रिल मोमेंट था वो तो वो अपने आप में। एक एक वो तो अब हम लोग के हमको याद है वो 10 बजे का शॉट था, हम लोगों ने उसको 3 बजे किया। क्यों? क्योंकि जेट स्की दोपहर, जो है पूरे पटाया का जेट स्की आपके पास आया था, पूरे पटाया का हिसाब से, हम और लोग देख रहे थे कि एकाध हम इधर लोग छोड़। बीच हाँ समंदर में कैमरा लेके खड़े हैं, केसारी जी आ रहे हैं जेट स्की लेके, उसके बाद में रत्नाकर जी दूसरे शोर से बहुत सारे जेट स्की राइडर्स को छोड़ रहे हैं, यानी कम से कम सब 15 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ 15 से लेकर रहे हैं। के करीबन टोटल जो था वो जेट्स की वहां पे शायद मेरे हिसाब से 30 या 40 रहे होंगे जो और जुड़ गए। हाँ मैं एक जी, एक खोज खोज करके समुद्र में जितने थे लोग सबको, अब मैं सोचा कि ये शॉट तो कर ही लेते है ना, नहीं तो पॉसिबल नहीं था कि ये चीज जो होता। बट जो आपने किया उसमें जेट स्की में, मुझे लगा कि आप पहले से ट्रेंड हो या ऐसा कुछ, तो सब लोग तो डर ही रहे थे, चार चार कैमरे लगे हैं चारों तरफ से, तो इट वॉज लेकिन टफ पहली बार, और पर बहुत मुश्किल जब था, एक बार बहुत जेट स्की उड़ा ना उड़ा ना, तो सच पूछे तो मैं बोला कि आज ही तक हूं मैं, आज के बाद से फिर पता नहीं खेसारी आएगा हाँ नहीं वही आएगा, बहुत डर तो बड़ी बहुत वेव गया आई था। थी तो उसमें जंप हुआ था। हाँ, वो जस्टी उड़ गया, उड़ गया तो लगा जे गया मैं काम से, लेकिन यही है कि आप लोग का, और मैं तो रत्नाकर भैया को सलूट करता हूँ कि इनका जिद जो था, और वो जिद आज देखने को, मैं जब डबिंग कर रहा था तो मैं खुद ही लगा दे, नहीं यार अगर वो नहीं होता तो अफसोस होता मुझे भी कि बिल्कुल मैं जाकर भी, और ये शॉट 300 किलोमीटर जाकर और ये शॉट नहीं लिया। तो बस हम कोशिश कर रहे हैं, अपने भोजपुरी के जितने भी श्रोता है, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रहा हूँ कि एक बहुत बेहतर सिनेमा, और कल टीजर रिलीज हो रहा है, तो आप लोग जिस तरह प्यार और आशीर्वाद हमेशा दिए, तो इसमें इतना प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है ताकि अपना भाषा बड़ा हो जाए और अपने भाषा को भी लोग कहें कि हाँ यार ये कुछ करते हैं, ये भी करने लगे हैं, तो धीरे धीरे ही चीजें बड़ी होती है, तो बस एक बार जोर लगाने की जरूरत है। अगर एक बार जोर लग गया तो मुझे लगता है कि अपनी भाषा में भी 100 करोड़ की सिनेमा बन सकती है, और हम क्षमता रखते हैं मेहनत करने की, और आप जैसे लोग हैं जो पैसा लगाने की क्षमता रखते हैं, तो मेरी कोशिश हमेशा इसीलिए रहती है कि मैं बेहतर कुछ अपने भाषा के लिए कर जाऊं। मैं अपने लिए तो जो किया उसको किया, अपने जनता के लिए जो करना था किया, लेकिन मुझे लगता है कि भाषा के लिए अभी तक हम काम नहीं कर पाए थे, लेकिन कोशिश है, तब इस कोशिश में हमारे भाषा के हर वो लोग अगर जुड़ेंगे तो शायद मुझे लगता है कि अपना भाषा
साउथ से बड़ा हो सकता है क्योंकि हमारा क्राउड साउथ से ज्यादा है, तो ये बहुत जरूरी है। और एक महाराष्ट्रियन हमारे डायरेक्टर साहब ये जब भी आते हैं तो कुछ अद्भुत, देखिए सर मेरे बाल उल सब रंगवा दिए और ऐसा किए कि एकदम 3 दिन तक तो मैं खुद आईना में अपना शक्ल नहीं देख पाया, मैं लेकिन ये इंडियन कम संघर्ष अंग्रेज टीम ज्यादा लग रहा का, था। ये संघर्ष टीम का भैया प्रयास है कि हम लोगों ने कोशिश की है कि भोजपुरी सिनेमा को नेक्स्ट लेवल में लेकर जाए। कल टीजर में लोगों को वो चीज दिखेगी भी और बहुत सारे कमेंट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को क्या, हम लोग जो इंटरव्यूज दे रहे हैं सारी चीजें बता रहे हैं, क्या आपको ये सच्चाई नजर आ रही है कि हम लोग भोजपुरी सिनेमा को नेक्स्ट लेवल के लिए देख रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर हम लोग शूट करके आए हैं, तो ये कहीं ना बहुत कहीं बड़ी आज बात है भोजपुरी सिनेमा के लिए। गॉडफादर भी शूट हो रहा है तो रत्नाकर भैया का बहुत योगदान है। और आप लोग बिल्कुल 5 5 दिन क्लाइमेक्स कौन करता है सर, आज 5 डे है, फाइट का 5 डे है, 5वां दिन सिर्फ एक फाइट का, तो वो चीजें। और टेक्नीशियन जबकि उसके डायरेक्टर ही प्रोड्यूसर है, हमारा कैमरामैन प्रोड्यूसर है, खेसारी लाल प्रोड्यूसर है, हम सब मिलकर बना रहे हैं ताकि हाँ ठीक है 4 करोड़ जाएगा बजट, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ आकर सिर्फ बैठ रहे हैं हम लोग, 5 दिन से लगातार फाइट चल रहा है सर, और क्रेन बिल्कुल से लेकर लग रहा है हिंदी फिल्मों का शूटिंग चल रहा है, क्राउड 200 200 300 300 क्राउड, 20 20 गाड़ियां, तो कहीं ना कहीं अब संघर्ष से एक हिम्मत आपने दिया है और हर आदमी कोशिश कर रहा है कि नहीं अब बेहतर ही काम चलेगा, क्योंकि दुनिया इतनी एडवांस हो गई है कि हम आज भी वही फंसे हुए हैं कि नहीं बस एक लड़का आएगा एक लड़की को छेड़ेगा और प्यार हो जाएगा फिर ये होगा वो होगा, तो वो सब चीजों से हमें निकलना है। और आपने संघर्ष बनाकर एक चीज तो दिखाया कि नहीं यार हम बेहतर कर सकते हैं, हमारे अंदर क्षमता है, बस हमें सपोर्ट की जरूरत है, तो एक बेहतर सिनेमा का हिस्सा बना हूं ये मेरी भी खुश क्योंकि नसीबी है। हम ये सोच के बनाए कि ये पूंजी है हमारी, मतलब जो फिल्म है वो एक पूंजी है, ये कैपिटल है, और इसी इसी का हम लोग रात दिन यही सोचते हैं, एक बिजनेस है, तो इसको और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जो जिसमें आप सपोर्ट ज्यादा करते हैं, और एक बिजनेस जो है वो हमेशा ऐसा ही एक पैरेलल चलता रहता है। कोई भी चीज हम देखते हैं कि कोई अगर बिजनेस होता है तो वो वन टाइमर नहीं होता है, तो उसको हमेशा वो चीजें फल फले फूले या हर एक चीज जो है वो चलता रहे। जैसे कोई दुकान चलाता हो तो वो हमेशा चाहता है कि ग्राहक जो है हमारे पास रहे, क्योंकि हम अच्छी चीजें देते हैं, तो वो चीजें ऑलवेज बरकरार रहे, क्योंकि सबका लाइफ जो रहे, सबके सबके सबकी रहने सहने की सारी सुविधाएं जो भोजपुरी से मिल रहा है लोगों को। आज तो सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी जो जो हम लोग स्टार्ट किए थे, अगर आपको याद होगा, उस समय कोई कंपनियां नहीं थी, उस समय जो बड़े बड़े कंपनियां थी एक एक या दो थी, तो कितना अच्छा लगता है कि अब सारी कंपनियां आ रही हैं और कितने लोग आज इससे जुड़ रहे हैं। मैं मेहंदी लगा के रखना का ही देखिए, उस समय हाँ 22 लाख 24 लाख में ऑडियो वीडियो सेट लेके जाता था। हाँ उसे भी तो आज की तारीख में अच्छा ये लगता है कि कंपटीशन बढ़ना चाहिए, और लोग जितने आएंगे उतनी चीजें आपकी अच्छी होंगी, और वो बेहतर होता है कि हमसे और बेहतर कोई फिल्म बनाए, तो फिर हम उससे बेहतर बनाते, तो ये क्या है, एक इंडस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिट बेनिफिशियल नहीं मूवी हाँ, थी एक दूसरे से कि सब कंपटीशन ना लोग करके जुड़े हम काम से कंपटीशन करें, काम 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 से, को लेके काम से, कंपटीशन। तो वो चीजें जो है वो आप अपनी इंडस्ट्री को बहुत ऊपर लेके आ चुका है, और वो जिसमें सहयोग मेरे मुझे याद है मेहंदी लगा के रखना से जब चालू जो हम लोगों ने किया वो अभी तक रुका नहीं, बट इतनी कंपनियां अच्छी अच्छी कंपनियां ने इस भोजपुरी के लिए इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे, वो बहुत बड़ी बात है, और वो चीज जो लोगों ने 50 सालों में नहीं किया वो अब कर रहे, तो ये एक बहुत बहुत फील अच्छा होता है, एक गुड होता है कि एक अरे यार हम लोग इंडस्ट्री के लिए भी सब लोग अब सोच रहे, तो वो जो सक्सेस था वो अब जाके अब फील होता है, अब आर्टिस्ट को उतने हम लोगों के लिए भी बहुत रेस्पेक्टिव नजर से देखा जाता है, और कि आप भोजपुरी में, तो वो एक अच्छा फील है, वो हमेशा मेरे हिसाब से अब जो है बिखरने वाला नहीं है, तो नहीं नहीं वो बिखरेगा बहुत सर, बहुत बड़ी क्योंकि बात है। संघर्ष जैसी मूवी बहुत कम बनती है, लेकिन अगर लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला तो मुझे लगता है कि संघर्ष से भी बेहतर बेहतर चीज है, अब हम लोग बाकी बिल्कुल आगे काम करेंगे, आना भी चाहिए, आना भी क्योंकि अब चाहिए, इससे ऊपर ही करना है हम लोगों को, कोशिश यही करना है बिल्कुल कि इससे ऊपर चीजें हो, और इसमें सबका प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि देखिए
भोजपुरी को बचाने के लिए सिनेमा ही है जो भोजपुरी को बचा सकता है, गाने तो नहीं बचा सकते, क्योंकि गाने तो हम शुरू से गाने गा ही रहे हैं, और उस गाने में सिद्ध हमने अपने आप को बड़ा किया है। मुझे भी अब फील ये चीजें होती है कि चलो उस समय समझदारी नहीं थी तो हमने सिर्फ पैसे के लिए काम किया और अपने आप को बड़ा करने के लिए किया, लेकिन आज तो हम बड़े हो गए हैं, जब हम कैपेबल हैं, पैसे भी हैं ईश्वर के दया से, आज नाम भी है लोगों के दिल में, कि जगह भी है। तो मुझे लगता है कि भाषा के लिए अपने काम अगर हम करेंगे और भाषा को बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो इस कोशिश में सब लोग आएंगे, और मैं सारे मैं जितने भी मेरे बड़े भाई भी हैं, जो भी हीरो हैं, जो भी हीरोइने हैं, जो भी मेरे छोटे भाई जो आ रहे हैं आजकल नई जनरेशन के, सबसे यही कहूंगा कि हम सबको मेहनत करने की जरूरत है, अपने बॉडी पे मेहनत करने की, अपने एक्टिंग पे, अपने टाइमिंग पे, हर चीज पे मेहनत करके, ताकि प्रोड्यूसर का भी नुकसान ना हो और हम एक बेहतर सिनेमा का हिस्सा बने और अपनी भाषा को बड़ा कर सके। तो बिल्कुल बस बिल्कुल यही अपील है। और कल रिलीज हो रहा है 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन संघर्ष 2 का टीजर, तो सुबह आप 6 बजे कितना, सुबह 6 बजे, जी, सुबह 6 बजे 6 बजे हो रहा है सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी, जी जी टेबल हाँ, तो सुबह 6 बजे जितने भी जनता मुझे प्यार करती है और जो देख रही है और इस लाइव के कटने के बाद जो देखेगी, मैं सबसे यही अपील करूंगा कि सुबह 5 बजे नहा धोकर रेडी हो जाने का, क्योंकि हमारे लिए महोत्सव है ये। संघर्ष जैसी मूवी बहुत कम बनती है, देखिए मूवी तो हम डेली बनाते हैं, डेली काम करते हैं सिनेमा में, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो दिल से जुड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे दिल के करीब है, और मुझे आशा नहीं, ये विश्वास है कि लोग इसको प्यार देंगे। गाने आप सुनिए, गाने सुनने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि अपने भाषा को बड़ा करना है, अपने भाषा को दुनिया को बताना है कि हमारी भाषा में भी ऐसी चीजें होती है, तो हम सबको एकता दिखाकर ही काम करना पड़ेगा, तभी जाके संभव है, अदरवाइज एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो सबको मैं बेहतर मूवी के हिस्सा बनने का मौका मिले, मेरी भी शुभकामना है, और आपने शुरू किया है सर तो अब हर आदमी कोशिश करेगा और कर ही रहा है अपना, ऐसा नहीं कि लोग नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और आप जैसे लोग हैं तो मुझे लगता है कि भोजपुरी और बड़े लेवल पे जाएगी और शुरुआत उसका संघर्ष 2 होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल वो वही है, सब सबका एप्रिसिएशन वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि चीजें बड़ी होंगी तो सब बड़े होते, तो उसमें वो बेहतर होता है। और मैं एक बार सब आर्टिस्ट का, एक बार सब आर्टिस्ट का मैं आपको नाम दिखा देता हूँ कि कौन कौन से इस प्रोजेक्ट में सहयोग किए आपके लिए, आपको हमारे दिखा। पराग पाटिल जी, मेघाश्री, हाँ मेघाश्री क्या काम की है, माही श्रीवास्तव जी ने भी बेहतर काम किया है, और अब कृति कृति यादव तो मेरी बेटी है, मैं उसको बुरा कैसे बोल सकता, और उसने जो परफॉर्म किया है संघर्ष 2 में, मैं भी एक पल के लिए मॉनिटर पे था तो मैं देख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि इतना अच्छा कर रही थी कि अजीब, मैंने होता है ना कि खुशी के एक आंसू गिरने लगे मुझे, कि अरे यार मेरी बेटी इतनी बेहतर है, हमारे विनीत विशाल जी हैं, अनु परोरा जी हैं, विनोद मिश्रा जी हैं, समर चतुर्वेदी जी हैं, और जे नीलम जी हैं, संजय पांडे जी, सुशील जी, और सुशील भैया हैं हमारे जो बेहतर काम किए हैं, हम लोग के गार्जियन हैं बहुत, और प्यारे आर्टिस्ट हैं, वैभव राय, बिल्कुल अखिल, और संजीव मिश्रा जी, देवेंद्र यादव, ओपी कश्यप, तो ये सबका सहयोग और प्यार ही ये है जो आज संघर्ष को बड़ा करने का काम किया है, और सबने 110% हमारे डीओपी प्रिंस भैया ने, और मेघा एक अदर भाषा के होके भी क्या परफॉर्म की है वो, और मैं तो बिल्कुल, उसके एक्टिंग का कायल हूँ, क्योंकि बड़ी सुलझी हुई लड़की है वो, अब बहुत नेचुरल और एक्टिंग, बहुत बहुत नेचुरल बहुत नेचुरलिटी पे और काम अच्छा, करते। अपने टाइम पे काम करना, टाइम पे जाना आना, वो उसके अंदर बहुत, वो सेकंड खेसारी है। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं तो यही देख बिल्कुल रहा था कि जो आर्टिस्ट थे, मतलब इतने कष्ट वाली मूवी थी, काम करने के लिए बहुत कष्ट हुआ लोगों को, तो उसके लिए हम सॉरी बोलते, क्योंकि बहुत लोगों ने इतना मेहनत किया इसमें, और सब लोगों ने बहुत प्रॉम्प्टली इस पिक्चर को कंप्लीट किया, मतलब हर एक आर्टिस्ट, जो अपने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उसमें, और भी जो है, तो सबने आपको बहुत सपोर्ट किया बेसिकली, बिल्कुल क्योंकि सर, हाँ, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि आपका सपोर्ट तो सबसे ज्यादा था ही उसमें, बट कभी किसी आर्टिस्ट ने कोई ये नहीं कहा कि नहीं ये चीज अब जो है ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो हर एक चीजों पे, बैंकॉक से लेकर के जहां जहां भी शूट हुए हैं, अब पराग का जो वो प्रॉब्लम क्या है कि वो एक शॉट को
15 बार करता है, तो वो एक प्रॉब्लम खाली आर्टिस्ट को होता था कि हमारे लिए और क्या परफेक्ट कर सकते हैं, सर है ना। एक 30 किलो का, प्रॉब्लम में मैं थोड़ा 30 किलो का डिसएग्री आपने हो जो जाता वो हूँ। हथियार दिया था मेरे को, तीस हाँ केजी का था वो, हाँ वही 30 केजी। ब्राउनी ब्राउनी। और सच पूछने से सर, मैं सुबह शाम दोपहर जब मुझे आधे घंटे का भी टाइम मिलता था तो मैं ना नाश्ता करता था और ना ही खाना खाता था। इंट्रोडक्शन वाले फाइट में जो हम लोगों ने 4 दिन की थी फाइट, और उस 4 दिन में जो मेरा बैंड बजा था सर, मैं 1 घंटे का भी टाइम मिलता था, सब लोग नाश्ता कर रहे तो तुरंत मैं जिम चला जा रहा हूँ, फिर आके शॉर्ट दे रहा हूँ, फिर आधे घंटे का अगर लाइटिंग हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो फिर जिम जा रहा हूँ। मैं इस गर्ल का लगातार नाम सर चार रितुषी दिन ब्राउनी। और वो 30 केजी का जो उठाकर और मूवमेंट करना ही कितना टॉप जॉब है। 30 केजी का चीज उठा लेके और दौड़ना है हमको, हमको भागना है सर, बहुत हाँ और बॉडी बैलेंस भी आपको बचाना है कि भाई बॉडी कहीं ना लगे कि हाँ हीरो नहीं उठाया है। तो वो कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत टॉप था, जो मेरा इंट्रोडक्शन था, जो हम लोगों ने पहला फोटो शेयर किया था लोगों के अंदर, तो वो चीजें थोड़ी सी, लेकिन ठीक है सर, जब चीजें हमारा फाइट मास्टर ने बहुत बेहतर है, मैंने क्या उसकी डिजाइन है और मुझे बहुत बहुत अच्छा प्यारा लगा, लगे बहुत वो। अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ नहीं, तो सब ये लोग चीजें बहुत चलिए। अप्रिशिएट करेंगे, बहुत बहुत सबकी मेहनत है, हाँ सबका सबने कुछ ना बहुत, कुछ हमारे करें। कानो जी ने, हमारे दिलीप मिस्त्री ने, मैंने सबने जो भी इससे जुड़े सबने अपना 110% दिया, और सबका सहयोग और प्यार था तभी हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए। और तो चलिए बेस्ट ऑफ लक सर, हाँ, आपको भी, और सर आपको भी, और मेघा जब और पराग शायद ने आपको भी ट्रैवल सर, की गाड़ी आपको उड़ाई भी थी, उसके लिए भी हमको बड़ा अफसोस था। तो आपने बोला था कि मेरी गाड़ी लेके मत आना, तो वो एक अलग वाकया अरे हुआ आप था, तो अभी बताइए। बताइए सर, नई बोलेरो इस आदमी ने पहाड़ से फेंकवा दिया। नहीं, अब आदमी मुझे जो प्रोडक्शन वालों ने दे दिया, हमको चाहिए था गाड़ी उड़ाने के लिए, मैंने रिक्वायरमेंट अरे दिया भाई था। उड़ाने के लिए अब दूसरी गाड़ी होती है, वो बन के आती है। अरे तो भैया क्या करे, प्रोडक्शन वालों ने बोल दिया कि अभी कोई गाड़ी नहीं है, यही गाड़ी है, तो मैं बोला यही उड़ा दो। बताइए जिसमें जा रहे हैं आ रहे हैं उसी गाड़ी को उड़ा दिया आपने, तो तो वो ट्रैवल की चाहिए गाड़ी, सारी ट्रैवल, चीजें हैं। हाँ नहीं तो पता बाद में चला ना, कि जब हाँ जो गाड़ी के आया तो बिल आए पता तो चला। बाद में पता चला। तो फिर आप बोले कि अरे यार मेरी गाड़ी मत लेके जाना वहां पे, नहीं तो क्या होगा कि ये उड़ा दिया तो फिर क्या होगा। तो तो मुझे डर आप, तो यही था कि भाई फॉर्च्यूनर ना उड़ा दे आदमी। हाँ कोई और भरोसा इतने नहीं अच्छे किसी। रत्नाकर जी इतने अच्छे प्रोड्यूसर हैं कि मेरे उस बिल को मेरे बिल में से काटे भी नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बॉस का वही आशीर्वाद है सर। कहने का मतलब वही कि नेचुरल नेचुरल वॉक होता गया, तो अब क्या है उसमें आदमी ये नहीं सोचा कि क्या क्या उड़ रहा है ना, ये सोचा कि शॉट क्या इम्पोर्टेंट है, और और बेहतर सिनेमा के लिए सर समय आपने की बचत सोचा, किया। हाँ तो वो समय और की बेहतर बचत सिनेमा के लिए भी। आपने सोचा, और जो भी चीजें हमें जरूरत थी आपने भरपूर दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस बात को सोचते हैं कि नहीं यार हमारा शॉर्ट मायने रखता है, क्योंकि लोगों को जो हमें दिखाना है, जब हम वही बेहतर नहीं दिखा पाएंगे तो फिर हमें काम करने का कोई मतलब ही नहीं। सही बात, ज्यादा सही दिन बात, शूट करने से अच्छी मूवी नहीं बनती है। हम नहीं शूट क्या बनती, कर रहे हैं वो इससे लोगों को इम्पोर्टेंट, लेना देना है, वो ज्यादा दिन इम्पोर्टेंट। शूट करें और ज्यादा पैसा लगा दे, इससे कोई मतलब नहीं जनता नहीं को है कंटेंट ही नहीं। जनता को तो आपने क्या दिया है, क्या शूट सामान कर कितना सकते हैं बेहतर वो है, उससे इम्पोर्टेंट, पता। वो हाँ इम्पोर्टेंट, हाँ चलिए, तो कल संघर्ष 2 का बिल्कुल। ठीक टीजर है, कल रिलीज हो रहा है के लिए सुबह वेट करते हैं। ठीक 6 तारीख 6 बजे, तो 14 फरवरी को, 2023 14 फरवरी सुबह 6 बजे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से टीजर रिलीज हो रहा है। तो मैं सब जनता से बस एक निवेदन करना चाहता हूं कि भोजपुरी को बड़ा करना है तो हमें सिनेमा को ज्यादा अहमियत देनी पड़ेगी, ताकि हमारा भाषा बड़ा हो। और ऐसे भी काम करते हैं हमारे यहाँ, ऐसे भी डायरेक्टर हैं, ऐसे भी प्रोड्यूसर हैं, ऐसे भी टेक्नीशियन हैं, ऐसे भी कलाकार हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और जितने भी जुड़े हुए प्रणाम, और जो बाद में देखेंगे उनको भी प्रणाम, कैसे ही आशीर्वाद। और कल टीजर को इतना प्यार दे दीजिए कि वो एक अलग लेवल लेके जाए और दुनिया को पता चले कि हाँ भोजपुरी में भी बेहतर चीजें बनती हैं। थैंक थैंक यू सो मच सर, प्रणाम यू, थैंक सर, यू और आप सब सर आपको भी आर्टिस्ट को प्रणाम। जिन्होंने प्रणाम काम किया, सब लोगों के लिए बहुत सर, बहुत थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर, प्रणाम सर।